स्टूडेंट्स, आज हम लोग SFIT के अंदर 9.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला पढ़ा था इनवर्स का और फोरियर का। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा, फोरियर गिवन होगा और हमें वो फंक्शन निकालना है जिसका फोरियर आपको गिवन है। ठीक है, जैसे कि आपको सबसे पहला मैं एक बार फंक्शन वो निकालने का फॉर्मूला लिख देती हूँ। फंक्शन निकालने FX निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, जो फोरियर है उसका इनवर्स, है ना। ठीक है, उसका इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास फंक्शन आएगा फोरियर जो भी। अब इसमें कोसाइन दे रखा है तो मैंने कोसाइन लिख दिया भाई, देखो। ठीक है, फोरियर कोसाइन लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है 2/π। ठीक है, 0 से ∞ हर किसी के लिए यही रहेगा। जो भी आपको फोरियर दे रखा है, इसमें जैसे कोसाइन दे रखा है, अगर कोसाइन का निकालना है तो कोस SX, और देखो उसमें DX आता था, इसमें सब में क्या आएगा, DS आएगा, उल्टा आएगा सभी के अंदर। जहाँ एक्स आता था, जहाँ पे हम लेबनीज रूल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस करते थे, वहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। ठीक है, ध्यान रखना, सब कुछ मतलब उल्टा हो जाएगा। दो एक्सरसाइज हमने फोरियर निकाला, अब फोरियर हमें गिवन होगा, हमें फंक्शन निकालना है। ठीक है भाई, तो देखिए अब मैं इसका निकाल रही हूँ, तो ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास, लेकिन इसने ना फंक्शन को ब्रेक करके देख रखा है। जो आपका फोरियर है वो इस तरह से ब्रेक करके गिवन है, एस जब लेस देन है 2a से तो ये है, और ग्रेटर देन है तो 0 है। तो आप भी ब्रेक कर दो इसको, 2/π 0 से ∞ तो को रखेंगे 2a और 2a से ∞। तो इसके बेस में तो क्या है, एस क्या हो जाएगा, इसमें एस जो है वो ग्रेटर देन 2a, तो इसमें तो 0 दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, a-s/2 और 1/2π। ठीक है, और कोस SX तो था ही हमारे पास, कोस SX और DS, भाई ध्यान रखना। ठीक है, 1/2π 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/π² हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है 0 से 2a, a-s/2 इंटू कोस SX और DS विद रिस्पेक्ट टू S करना है। तो कैसे करोगे, बाय पार्ट्स कर दो। ठीक है, लिमिट फाइनाइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए इसको एक बार ए को अलग अलग कर लें भाई, या फिर रहने दो, बाय पार्ट्स करते हैं। तो आपके पास इसको हम डेरिवेटिव वाले में रख लेते हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन SX और विद रिस्पेक्ट टू S क्या आएगा, X, वो नीचे आएगा भाई। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स, और कोस का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, 1/π² बाहर, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन यानी कि 0 से 2a, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो -1/2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन SX अपॉन में x इंटू DS, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, DS, अब देखो 1/π² लिमिट पुट करते हैं भाई, a माइनस एस की जगह पे करेंगे 2a/2, 0 हो जाएगा, 0 into something 0। ठीक है, ओके, लोअर भी करेंगे तो साइन 0 0 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 1/2, 0 से 2a साइन SX/X इंटू DS, ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, इसको भी करो दोबारा से भाई, तो क्या आएगा ये आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू एस करना है, ध्यान रखना है, तो यहाँ पे एक्स का कोई रोल नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पे ये सोचो मैम वेरिएबल है, नहीं, 1/2 इंटू साइन का हो जाएगा माइनस कोस SX और SX का विद रिस्पेक्ट टू एस एक्स हो जाएगा, ये हो गया X² 0 से 2a। ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपके पास, और 1/π² ऑलरेडी आपका बाहर था, 1/π² और 2 भी आ गया, कोस 2 माइनस कोस 2ax/x² और cos 0 होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आ जाएगा, तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2π². ठीक है, 1 माइनस कोस 2ax और नीचे x², अब 1 माइनस कोस 2 क्या होता है, साइन स्क्वेयर ax/x², ये आपका आंसर। ठीक है भाई, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि जब हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप लोग करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपको लगता है कि एक्स वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे हम फोरियर गिवन है और उसका क्या निकाल रहे हैं, हम फंक्शन निकाल रहे हैं, तो फंक्शन जब निकालेंगे ना तो जो इंटीग्रेशन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एस होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एस का रोल रहेगा, अदर का क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट के तौर पर।
ठीक है भाई, तो ऐसे आपको करना है ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन विच इज यूनिटी फॉर दिस, यानी कि इनके बीच में अगर लेते हो तो फंक्शन की वैल्यू वन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसकी, एंड जीरो फॉर दिस, व्हाट इज द फंक्शन हुज कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस। एक तो आपको क्या निकालना है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, फंक्शन राइट करती हूँ एक बार, है ना, एक फंक्शन का कोसाइन निकालना है जिसमें एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, यूनिटी, यानी कि वन कब, जब वो एक्स और ए के बीच में हो, और जीरो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है भाई। तो सिंपली आपको जीरो से इन्फिनिटी, है ना, एफ एक्स, और कोसाइन निकालना है तो कोस एस एक्स इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला हो गया फोरियर का, तो ठीक है भाई, फोरियर निकालने का, तो जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसको ब्रेक करेंगे हम, जीरो से वन, एफ एक्स क्या है वन, और कोस एस एक्स, क्योंकि देखो, सॉरी एक मिनट, जीरो से ए और ए से इन्फिनिटी, ए से इन्फिनिटी का मीनिंग होता है एक्स ग्रेटर देन ए, ये रहा जीरो, और इसका मीनिंग है कि जीरो से ए के बीच में, तो क्या है आपका वन, ये आ गया। अब डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट पुट कर दो, जब लिमिट फाइनाइट होती है उस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, इनफाइनाइट के केस में थोड़ा हमें सोचना पड़ता है कि हम इसका इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करें। हाँ भाई, नेक्स्ट दे रखा है, सी के अंदर दे रखा है कि आपके पास कि वो फंक्शन निकालो जिसका फोरियर क्या है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एफ सी एस दे रखा है, क्या, साइन ए एस बाई एस, ये दे रखा है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अभी हमने किया था एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू अपॉन पाई जीरो से इन्फिनिटी साइन ए एस बाई एस, ठीक है, किसका है ये, कोसाइन का, कोस एस एक्स इंटू डी एस, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है भाई। अब इसका आप कैसे सोल्व करोगे, टू से मल्टीप्लाई, और टू को इसको अंदर ले आओ, वन अपॉन पाई जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है भाई, वन अपॉन पाई, और ये अंदर चला जाएगा, टू साइन ए एस कोस एस एक्स इंटू डी एस और अपॉन में एस, ठीक है भाई। अब ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, टू साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस एक्स इंटू एस प्लस साइन ए माइनस एक्स इंटू एस अपॉन में एस एस इंटू डी एस, ठीक है भाई। साइन ए और कोस बी हो तो साइन के ही फॉर्मूला रहेंगे, और जब दोनों टर्म्स आपके पास सेम होती है उस केस में क्या होता है, आपके पास किसके फॉर्मूले लगेंगे भाई, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको जीरो से इन्फिनिटी और इसको सोल्व करना है, ठीक है, इसमें आपका जो फंक्शन है वो ब्रेक करके नहीं दे रखा, जो भी आंसर आता है ना आप राइट कर देना, ठीक है, या फिर हम इसको ब्रेक कर देते हैं भाई, देखो एक मिनट, इसमें हम ना एक फॉर्मूला लगाएंगे, देखो क्योंकि यहाँ से हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, तो देखो साइन जीरो से इन्फिनिटी साइन ए एक्स एस बाई एक्स का जो ए एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये जो फॉर्मूला होता है ये पाई बाई टू होता है, और कब, जब आपका ए जीरो से बड़ा होता है ना, ये होता है, तो इसमें मैं कर रही हूँ आपका वन बाई पाई, ये वाली दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, जीरो से इन्फिनिटी जीरो से इन्फिनिटी, तो देखो इसमें हम कंडीशन लगा रहे हैं कि जो एक्स है ना वो आपका लेस देन ए है, यानी कि ए आपका बड़ा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास वन अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाय टू, ठीक है, नेक्स्ट भी वन अपॉन पाई, ये अंदर जाएगा इसके साथ, और ये भी जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, पाई बाय टू, क्यों भाई, क्योंकि आपका जो एक्स है वो ए से लेस है, तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा तो बनेगा नहीं, पॉजिटिव बनेगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये पाई से पाई, टू से टू, पाई से पाई, और वन बाई टू प्लस वन बाई टू, वन आ गया, कब, जब एक्स लेस देन ए है। सिमिलरली एक्स, अगर मेरा एक्स ग्रेटर देन ए हो जाए तो ये तो ठीक आ जाएगा आपका, है ना, ये तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन पाई पाई बाय टू, लेकिन जब आपका एक्स ए से बड़ा हो जाएगा तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा, तो जगह पाई बाय टू इंटू वन अपॉन पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वन बाय जीरो आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन a, तो ये फंक्शन आ गया जिसका फोरियर क्या है, साइन ए एस बाई एस, कौन सा फंक्शन है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू वन, ये लेस देन और जीरो एक्स ग्रेटर देन, ऐसे आपको बताना है, ठीक है भाई।
तो बस आज के लिए आपके, मुझे लगता है कि एक्सरसाइज के दो ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, और इसका एफ एक्स का अगर आप करना चाहते हो तो देख लेना, कल करेंगे इस एक्सरसाइज। हाँ भाई, ये वाला करना है आपको, बस फिफ्थ क्वेश्चन करना है, और आपको फिफ्थ के बाद आप कौन सा कर सकते हो, फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका सिंपल ही है, इन्वर्जन फॉर्मूला लगा के जो पीछे वाला है। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करने हैं बस आपको, बाकी थर्ड सिक्स सेवन्थ और ये सारे मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए फोर्थ और फिफ्थ है जिसमें डेफिनेशन लगेंगी। ठीक है, थैंक यू।